भक्तों, आज मैं आपको होलिका दहन की महाकथा सुनाने जा रहा हूँ। कैसे अभिमानी हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र का दुश्मन बन जाता है, कैसे वो अभिमानी स्वयं को भगवान समझने लगता है, कैसे अपने ही पुत्र को अग्नि में जला के मारना चाहता है और कैसे उसकी बहन होलिका अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। तो आइए कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। परम भक्त प्रहलाद की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यप का झूठा अभिमान दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं तुझो भगवान, टूटा उसका अभिमान। हिरण्यकश्यप राजा के मन आ गया था अभिमान, समझ लिया था स्वयं को उसने सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा भगवान। उसके राज्य में किसी और की पूजा नहीं होगी, किसी के घर में श्री विष्णु की चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। नगर मुनादी पिटवा करके किया बड़ा ऐलान, तीनों लोकों में कोई नहीं है मुझसे बड़ा भगवान, मुझसे बड़ा भगवान। भूल के भी ले लिया किसी ने उस विष्णु का नाम, कोई देख सके ना उसका जो होगा अंजाम, जो होगा अंजाम। ऐसे अधर्मी का तुमको परिणाम दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो भगवान, टूटा उसका अभिमान। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु भगवान का परम भक्त था। सुबह शाम हर समय श्री हरि जी की पूजा आराधना में लगा रहता है। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से उसका पिता बड़ा क्रोधित रहता था। वो प्रहलाद को डरा के, धमका के, प्यार से हर तरह से समझा के हार चुका था, किंतु प्रहलाद के हृदय से श्री विष्णु जी की भक्ति निकाल नहीं पाया था। सब कुछ करके हार गया प्रहलाद नहीं माना, हिरण्यकश्यप ने फिर अपने मन में ये ठाना, मन में ये ठाना। बुला के फिर प्रहलाद पुत्र को भरे हुए दरबार, क्रोध में बोला हिरण्यकश्यप लेके हाथ तलवार, लेके हाथ तलवार। मुझे मान भगवान, आज से मुझसे बड़ा है कौन, वरना तुझको सदा के लिए मैं कर दूंगा मौन, मैं कर दूंगा मौन। विष्णु मुझसे श्रेष्ठ नहीं है ना मुझसा बलवान, मेरी पूजा अगर न की तो नहीं बचेगी जान, नहीं बचेगी जान। बोला पुत्र पिता से क्या मैं वो सुनवाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।
आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो भगवान, टूटा उसका अभिमान। प्रहलाद हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहता है, पिताजी आप मेरे जन्मदाता अवश्य हैं, परंतु मेरे भाग्य विधाता तो श्री विष्णु भगवान ही हैं। रही बात जीवन मृत्यु की, तो मृत्यु तो एक न एक दिन सबको आनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी रक्षा श्री हरि जी अवश्य करेंगे। मेरे जीवन पर आपका अधिकार हो सकता है, किंतु श्री हरि का अधिकार जीवन और मृत्यु दोनों पर है। जल के आग बबूला हो गया, सुन बेटे की बात। पुत्र की छाती पे फिर मारी खींच के उसने लात, खींच के उसने लात। क्रोध में बोला हिरण्यकश्यप, अजर अमर हूँ मैं। उस मृत्यु से सुन मूरख, बेफिकर निडर हूँ मैं, बेफिकर निडर हूँ मैं। पशु पक्षी नर नारी मुझको मार नहीं सकते, अस्त्र शस्त्र भी मौत का फंदा डार नहीं सकते, फंदा डार नहीं सकते। ना घर में ना घर के बाहर स्वर्ग धरा पाताल, ना दिन में ना रात में मुझको छू सकता है काल, छू सकता है काल। मैं हूँ ईश्वर, मैं ही सबका भाग्य विधाता हूँ, मैं भाग्य विधाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो भगवान, टूटा उसका अभिमान। मन ही मन भगवान विष्णु जी की आराधना करता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी चादर प्राप्त हुई थी, जिसको ओढ़ लेने के बाद उस पर अग्नि अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती थी, अग्नि की लपटें भी बेअसर हो जाती थी। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलवा के प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचाता है। होलिका को बुलवा के वो समझाता है, मिलके बहन के साथ में वो षड्यंत्र रचाता है, षड्यंत्र रचाता है। कैसे मारना है बालक को जला के अग्नि में, गोद में अपनी विष्णु भक्त को बिठा के अग्नि में, बिठा के अग्नि में। ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई है चादर जो तुमको, अग्नि से फिर बची रहोगी ओढ़ के तुम उसको, ओढ़ के तुम उसको। बात मान ली भाई की अपने, हो गई वो तैयार, विष्णु के उस भक्त को भैया जला के दूंगी मार, जला के दूंगी मार। अब आगे की कथा सुनो, क्या हुआ बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो भगवान, टूटा उसका अभिमान। सारे राज्य में मुनादी पिटवा दी जाती है, होलिका अग्नि स्नान करके दिखाएगी, अग्नि होलिका के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, होलिका अग्नि स्नान करके भी जीवित रहेगी। सारे नगरवासी इस चमत्कार को देखने के लिए आ जाते हैं, हर कोई इस दृश्य को देखना चाहता था,
होलिका के लिए बहुत बड़ी चिता तैयार की जाती है, जिसके ऊपर होलिका प्रह्लाद को लेकर बैठ जाती है। अपने शरीर को चमत्कारी ओढ़नी से ढक लिया था। विष्णु भक्त प्रह्लाद ने करके श्री हरि जी का ध्यान, बैठ गया था चिता पे करने को अग्नि स्नान। वो अग्नि स्नान श्री विष्णु के ध्यान में खोया परम भक्त प्रह्लाद, करके आंखें बंद हरि को करने लगा था याद, करने लगा था याद। जब ये देखा विष्णु जी ने क्रोध में आते हैं, देखो अपने भक्त के कैसे प्राण बचाते हैं, प्राण बचाते हैं। उधर उठ रही लपटे आग की इधर क्रोध का वेग, उठा बवंडर आंधी वाला हुई हवाएं तेज, हुई हवाएं तेज। श्री हरि जी का चमत्कार वो तुम्हें दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृत्तांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो भगवान, टूटा उसका अभिमान। जैसे ही चिता की लपटें उठने लगती हैं, श्री हरि की माया से आंधी तूफान आ जाता है, जिसके कारण होलिका का सुरक्षा कवच जो होलिका ने ओढ़ रखा था उड़ के प्रह्लाद के ऊपर आ जाता है। प्रह्लाद को लपेट लेता है, परिणाम स्वरूप होलिका जल के राख हो जाती है और प्रह्लाद जीवित बच जाता है। ऐसा चमत्कार सब होते हैं हैरान, प्रेम से बोलो सारे मिलके जय श्री हरि भगवान, जय श्री हरि भगवान। टूटा ना विश्वास भक्त का, टूट गया अभिमान, सबके आगे अभिमानी का हुआ बड़ा अपमान, हुआ बड़ा। क्रोध में भर के चला गया वो फिर अपने दरबार, विष्णु के लिए उसके मन में मचा था हाहाकार, मचा था हाहाकार। तब से ही त्योहार मनाया जाने लगा होली, बसंत ऋतु जब आती है लेकर के रंगोली, लेकर के रंगोली। हाथ जोड़ सुखदेव सभी को शीश झुकाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज होलिका दहन का मैं वृतांत सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो भगवान, टूटा उसका अभिमान। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, जिसको अपने श्री हरि जी के ऊपर विश्वास होता है, भगवान उसका विश्वास कभी नहीं टूटने देते हैं। अंत में दुष्ट हिरण्यकश्यप का अंत स्वयं श्री विष्णु भगवान नरसिंह रूप में आकर करते हैं और भक्त प्रह्लाद की रक्षा करते हैं। ये कथा है बड़ी महान, जय श्री विष्णु भगवान। कह स्वयं को जो